नमो राघव नमो राघव। वो हमने पहले आपको वीडियो बनाई थी जिसमें कि हमने आपको दिखाया था ब्लू टी, अब हम आपको दिखा रहे हैं वाइट टी। ये वाइट टी है, ठीक है। इसमें हमने आपको गैस चालू कर दी है, ठीक है। ये गैस चालू कर दी, इसमें पानी रख दिया है, जैसे एक कप मान लो, हाँ कप से नहीं नापा इसलिए एक डेढ़ कप ही पानी है, तो इसमें हमने पानी रख दिए, हमारा पानी गर्म होता है। अब आप इसे भी समझ लें ये कौन सी वाइट टी बन रही है। ये भी हमारी अपराजिता का ही पुष्प है, लेकिन उसको बोलते हैं विष्णुकांता है, इसे बोलते हैं शिवकांता, क्योंकि शंकर जी हमारे कैसे हैं, श्वेत वर्ण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। जो हमारे श्वेत पुष्प हैं, ये शंकर जी जिस तरह से कर्पूर गौरम है उसी तरह से ये, और इनका नाम भी वही, इस बेल का भी नाम अपराजिता है, गोकर्ण का अपराजिता, लेकिन सिर्फ इतना फर्क है वह श्याम बनते हैं इसलिए उसको विष्णुकांता बोलते हैं, वे श्वेत वर्ण के इसलिए इसे शिवकांता बोलते हैं, क्योंकि कपूर की तरह ये साफ है। इसी तरह से इन पुष्पों को भी हम लेते हैं और इन्हें भी लेके हम पानी उबलने रख देते हैं, उसी पानी में हम इसे भी इसी तरह से डालते हैं, ठीक है। इन पुष्पों को भी डालते हैं और इन पुष्पों के भी वही फायदे हैं जिस तरह से आपको बहुत ताकत देते हैं, क्योंकि इन है तो अपराजिता ही, सिर्फ पुष्पों का नाम अलग है। किसी को दूध वाली चाय पीनी है, ठीक है, और चीनी दूध की चाय नुकसान करती है, तो आप ये दूध वाली चाय पियो फिर, ठीक है, इस दूध की चाय पियो, ये अभी दूध की तरह ही बन के तैयार हो जाए और इस दूध वाली चाय को पियो, क्योंकि शरीर के लिए चीनी बिल्कुल फ़ायदा नहीं करती है। शरीर में जितना भी मोटापा आता है वो सारा चीनी से ही आता है, और चीनी की जगह जब भी, क्योंकि उस चाय में शहद अच्छा नहीं लगता है, इसमें ये शहद है ना, इसे हम आराम में शहद को डाल देंगे। उस दूध वाली चाय में कभी कभी बहुत लोग चाय में भी नींबू निचोड़ के पी लेते हैं, लेकिन वो फ़ायदा नहीं करता है, क्योंकि नींबू निचोड़ने की वजह से वो शरीर को बहुत नुकसान देने लगता है, और फिर क्या करता है कि हाथ में पाँव में थोड़ा दर्द होने लगता है, ऐठन होने लगती है, इसलिए वो ऐठन की जगह से हम इसको पीते हैं। ये अपराजिता है, ये आपको किसी सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, क्योंकि ये पराजित तो होने का काम ही नहीं है, इसका नाम ही अपराजिता है, और उसमें भी फिर भोले बाबा का नाम जुड़ गया है कि शिवकांता, तो और गोकर्ण का, गो माता हमारी कितनी बढ़िया है, गो माता का नाम हो गया, फिर अपने भोले बाबा का नाम हो गया, सबका नाम लेते हुए, और ये तो बस ये मान लो कि इनका नाम क्या है, भगवान अपना प्रसाद दे रहे हैं सबको, प्रसाद है ये, तो प्रसाद की तरह से इस्तेमाल करो, प्रसाद की तरह से पियो, हैं, और प्रसाद मान के से पियोगे थोड़े आपकी कमजोरी दूर होती रहेगी और आपका भला होता रहेगा, और वो नहीं पीना चाहिए कभी भी, आप सोचो कि ऐसे पी लो कोई चीज नुकसान कर जाए, ऐसा नहीं, नुकसान वाली चीज़ कभी नहीं, शरीर को वही खाना चाहिए जो हमारे शरीर को लगे पचे फायदा करे, दूसरी चीज़ को नहीं खाना चाहिए, जो चीज़ हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है उसे कभी नहीं खाना चाहिए। पर जी है लो बच्चे तो मानते नहीं, मगर हम और आप सब लोग इन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के बच्चों के अधीन हो जाएंगे, आजकल बच्चे किसी की सुनने वाले हैं नहीं, बच्चों क्यों नहीं सुनने वाले, बच्चों पर टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, अभी उनकी ज़िंदगी शुरू हुई है, उन्हें कमाना भी है, अपने बच्चों को भी देखना है, आगे भी बढ़ना है, इसलिए बच्चों पर टाइम नहीं है, उनकी परेशानियों को देखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखो। मैं बार बार कहती हूँ किसी के अधीन मत हो, हमेशा कभी ये आस करो ही मत कि हमें किसी की एक लोटे जल की भी ज़रूरत है, इस तरह से अपन
करते रहो। और ये चाय भी बहुत टेस्टी लगती है, मैं तो इन्हीं चाय का इस्तेमाल करने लगी हूँ अब कई दिन से। देखो इसमें डाल दी मैंने एक चम्मच शहद, और शहद डालने के बाद देख, क्योंकि काढ़ा जैसे कभी अपन ने ये पिया, कभी काढ़ा पिया, कभी ये चाय पी ली, ये थोड़ी कि डेली डेली पीते रहो। कभी आप दूध की भी पी लिया करो, कभी दूध की पी ली, कभी ये चाय पी ली, इस तरह से ये चाय पीते हुए तो इनका अपने आप ये तो प्रसाद है, अपने आप कलर चेंज कर देते हैं। देखो बनते बनते अपने आप हो गया ये बगैर दूध वाली चाय है। जब हम लेते इस पर रख दो, ये चलनी बहुत सरल तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका है। बस थोड़ी सी नहीं हो तो एक बेल लगा लेना, बहुत छोटे से छोटे गमले में लग जाएगी, बिल्कुल छोटे गमले में। वैसे मैंने यह गोंडा चौक पे तो इतने लोगों को लगवा दिए कि शायद उनके घर से मांग लोगे, देखने के बाद नहीं को दे तो भैया हमारे घर का एड्रेस है ही, तो उसमें से वहाँ से ले लेना, हम दे देंगे फली, क्योंकि इस टाइम अब फली आने वाली हैं। किसी दूसरे का भी भला हो जाए, दूसरे के घर में फली लग जाए, क्या परेशानी वाली बात है, कोई परेशानी तो है नहीं। इसी तरह से अपना ये करते हैं। और बस ये भी हमारी चाय बन के तैयार हो गई। शरीर का ख्याल रखो, सब लोग स्वस्थ रहो, भगवान का भजन करो, जीवन ये ऐसे ही भाग दौड़ में निकल जाएगा। गैस ये मैंने बंद कर दी है, और देखो ज़्यादा अच्छे तरह से तो मुझे वीडियो बनाना आता नहीं है, बस ये है थोड़े से बना के आप लोगों को स्वस्थ रखने के लिए कोशिश करती हूँ। ये रहा हमारा कप, देखो इसमें छान दो इसको, देखो ये हमने छान दी तुम्हारी चाय, ठीक है छान दे, देखो ये चाय हमने, देखो कितना कलर भी तो आप देखो कितना प्यारा लग रहा है आपको। ये नहीं है कि कोई देखने में इतनी बुरी लग रही है, ये कौन पिए इसको इतनी बुरी तरह से, क्योंकि कलर को देखते हैं लोग, वो चाय भी पीते हैं पत्ती वाले, उसमें भी कलर देखते हैं हम और आप सब लोग, तो उस तरह से ये कलर मत देखो। और फिर जो नींबू है ना, ये नींबू हमारा, इस नींबू को ले लो और इसको लो काट लो, ऐसे लो चाकू से काट लो, और काट के इसमें लेके इसमें रख लो। जब चाय छान लो उसके बाद, पहले नहीं, जब चाय छान के अपना उसमें कर लो, क्योंकि पहले डालो वो ठीक नहीं रहता है। अब इसमें देखो एक साथ कलर चेंज करेगा, देखना आप, ये हमने डाला इसमें नींबू, ये डाल दिए नींबू, आधा नींबू आप डाल सकते हो। वैसे यदि आपको सही लगता है, मुझे कम खट्टी अच्छी लगती, इसलिए मैं आधा नींबू नहीं डालती हूँ, बस इतने नींबू की ये। अब आप देखो इसका कलर देखो, और फिर इस चाय का स्वाद लेना, जूस फैल हो जाएंगे आपके, जो जो जूस लेते हो ना, संतरे का लिया, कभी अनार का जूस, से अच्छा आपको ये लगेगा पीने में, इतना स्वाद लगता है कि जूस तो कुछ लगते नहीं है इसके सामने, जूस वूस क्या मायना रखता है। इस तरह बनाओ ना, तो क्योंकि ठंडी चीज नहीं, इसलिए आपके जूस तो ठंडा भी रहता है, इसलिए आपको जॉइंट पेन होने लगेगा, कभी घुटनों में, कभी कंधों में, कभी कहीं कहीं कहीं, और इससे कहीं आपको दर्द नहीं होगा, दर्द में ही नहीं होगा, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपको ताकत भी देगा। इसलिए शरीर की ताकत का ध्यान रखते हुए आप इस टी को पिए, इसको वाइट टी बोलते हैं, क्योंकि ये श्वेत पुष्पों से बनी है, अपराजिता की पुष्प हैं, और शिवकांता बोध ही श्वेत पुष्प जो होते हैं उन्हें शिवकांता बोलते हैं, ये शिवकांता है, अपराजिता है, गोकर्णिका है। मैंने आपको फूल भी दिखा दिए, आपको चाय भी बना के दिखा दी, आप पीना और इसका स्वाद लेना, और मेरे लिए दुआ करना, नमो राघवाय, नमो राघवाय।